हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल न्यू आइडियल किचन में। आज हम बनाएंगे कच्चे आलू का बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता और वो भी बहुत जल्दी बना के हम तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 3 कच्चे आलूओं को छील लिया, अच्छी तरह से धो लिया और फिर हम इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। इसको हमने मोटी साइड से ग्रेट करना है। सारे आलू ग्रेट हो गए हैं, अब हम इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे 2 से 3 पानी में और इनको निचोड़ के एक थाली या प्लेट में अलग से रख लेंगे। और ये देखिए सारे ये आलू को जो ग्रेट हमने किए थे उनको तैयार कर लिया। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले, 1 से 1.5 चम्मच के करीब नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़े से तिल सफ़ेद वाले, थोड़ा सा पिज़्ज़ा हर्ब्स, थोड़ी सी हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। और अब इसमें डाल देंगे हम 3 चम्मच के करीब कॉर्न स्टार्च। आपके पास कॉर्न स्टार्च नहीं हो तो आप अरारोट भी डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से दबा दबा के, और फिर इनकी हम बॉल्स बना के तैयार कर लेते हैं। सभी बॉल्स हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हम ले लेंगे थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब को एक प्लेट में डाल लेंगे और फिर ये सभी जो बॉल्स हैं इसको ब्रेड क्रम्ब से हम कोट कर देंगे। उधर कढ़ाई में हमने जो है ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। आप चाहे इसको शैलो फ्राई किए या डीप फ्राई करें। सभी बॉल्स को हम डाल देते हैं गर्म ऑयल में और इनको अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेते हैं। और ये देखिए सभी बॉल्स हमारी बनके तैयार हो गई है। हमारा बहुत ही टेस्टी कच्चे आलू का नाश्ता बनके तैयार हो गया है। इसे आप पार्टी के स्टार्टर में या किसी भी उसे में तैयार कर सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। सभी आपकी बहुत तारीफ़ की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।